और अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले की। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का किताबी मुकाबला खेला जाएगा और इस पर जी बिजनेस ने एक खास रिपोर्ट बनाई है, देखिए रिपोर्ट। किस्मत के सहारे से ही पाकिस्तान आज विश्व कप का फाइनल खेलने जा रहा है और पाकिस्तान के सामने वो टीम खड़ी है जिसने भारत जैसी मजबूत टीम को सेमीफाइनल में धूल चटाई थी। लेकिन फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भी इंग्लैंड के खिलाड़ी उसी अंदाज में बैटिंग करेंगे या फिर पाकिस्तान की पेस बैटरी जो भारत के पड़ोसी देश की क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी ताकत है, मैच की तस्वीर पलट सकती है। पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने अब तक काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। शाहीन ने 6 मैच खेले, 10 विकेट लिए और इनका इकोनॉमी रेट 6.17 का रहा। इकोनॉमी के लिहाज से ये T20 में शानदार प्रदर्शन है। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से इस टूर्नामेंट में सबसे सफल गेंदबाज शादाब खान रहे। शादाब खान ने भी 6 मैचों में 10 विकेट लिए हैं और उनका इकोनॉमी रेट 6.59 का रहा है। गेंदबाजी के ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान के गेंदबाजों को मेलबर्न में इतनी बेदर्दी से पीटना इंग्लैंड के लिए थोड़ा मुश्किल है जितनी पिटाई एडिलेड में भारतीय गेंदबाजों की हुई थी। मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टीम भी वन ऑफ द बेस्ट टीम है, जो उन्होंने सेमीफाइनल खेला वो आउटस्टैंडिंग खेला, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दें। जिस तरह हमारा वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक है, कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्ट्रेंथ है उसी पे रहें और जो हमारी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करें। वहीं पाकिस्तान के लिए सबसे राहत की बात उनके ओपनर्स का फॉर्म में लौटाना है। इधर बाबर आजम भी लगभग टूर्नामेंट से बाहर होकर फाइनल तक पहुंचने के बाद कम प्रेशर महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान के सपोर्टर्स को भी लगता है कि किस्मत ने उनकी टीम को फाइनल में पहुंचाया है और यहां से कप उनका ही होगा। इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। जब से हमने 2 मैच शुरू के हारे और उसके बाद हमने जिस तरीके से मोमेंटम पकड़ा है, आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन स्टॉप अस राइट नाउ, और इंशाल्लाह ताला फाइनल की ट्रॉफी हमने कल उठानी हर हालत। फिलहाल पाकिस्तान की नजर 1992 वाले इतिहास को दोहराने की रहेगी क्योंकि तब भी मेलबोर्न में उनके सामने इंग्लैंड ही था। कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ जी न्यूज़ के लिए मेलबोर्न से मैं कपिल वशिष्ठ।